दोस्तों, वैसे तो पूरे विश्व में अनेकों तरह की डरावनी भूतिया जगह स्थित है, जिनका भूतिया होना अपनी अलग आस्था पहन करता है। दुनिया में ऐसी कई जगह है जहाँ का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, जहाँ मनुष्य भी जाने से डरते हैं। और दूर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ जाने के बाद बचकर आना भी असंभव है। ऐसे ही हम आपको दुनिया की भूतिया जगह के बारे में आज बताएंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बीचवर्त का पागलखाना। दुनिया की सबसे डरावनी जगह बीचवर्त का पागलखाना है और यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया नाम स्थान पर स्थित है। यह जगह 1867 से 1995 तक एक पागल व्यक्तियों का अस्पताल था। दोस्तों, कहा जाता है इस पागलखाने में एक साथ 1200 मरीजों के रहने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि बीचवर्त पागलखाने के लगभग 130 साल के इतिहास में लगभग 9000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए। लोगों का मानना है कि इस पागलखाने में उनकी आत्माएं अभी तक डर दे रखी है। हाईग्रेड कब्रिस्तान। रात को लंदन का हाईग्रेड कब्रिस्तान एक हॉरर फिल्म की तरह दिखाई देता है। यह लंदन की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। दोस्तों, बता दूं, यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखने का दावा किया है, जो कि इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। दोस्तों, इस कब्रिस्तान को 1839 में शुरू किया गया था। भानगढ़ का किला। भारत के राजस्थान भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह के साथ साथ दुनिया की सबसे भूतिया जगह में से भी एक है, जिसके बारे में सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस जगह पर किसी भी पर्यटक को सूर्यास्त के समय जाने की अनुमति नहीं मिलती। बताया जाता है कि यह के एक जादूगर को इस इलाके स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था और उसने उस राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए कालो जादू की मदद ली, लेकिन इस बात की भनक राजकुमारी को लग गई, जिसके बाद उस राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया। मरते मरते वो जादूगर किले को शाप दे गया। तब से किला सुनसान पड़ा है। एमजी रोड। गुड़गांव शहर का एमजी रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयावह रोड है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस सड़क पर ड्राइव करने वालों ने कई बार सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है जो गाड़ियों के साथ साथ भागती है। कहते हैं कि इस औरत की मौत कुछ साल पहले इसी एरिया में हुई थी। बोरले रेक्टोरी। यह इंग्लैंड का सबसे भूता घर माना जाता है। बोरले रेक्टोरी घर 1863 में हेनरी डासन एलिस बुल के लिए बनाया गया था। इसे विक्टोरियन हवेली भी कहा जाता है। माना जाता है 13वीं शताब्दी में यहाँ के एक चर्च की नन बोरले मठ के शिक्षु से प्यार करती थी। उन्हें पकड़ लिया गया और दोनों को मार डाला गया और तब से यह ब्रिटेन का सबसे डरावना घर में शामिल होता है।